अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RBS चैनल। इस चैनल में मैं आपको अपनी बेहतरीन रेसिपीज़ बताऊंगी और आपको साथ साथ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप मेरे वीडियोस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम, आजकल जैसे कि हालात हैं, बच्चे जो हैं वो घरों पे हैं और बाहर नहीं जा सकते हैं और काफ़ी परेशानी है बाहर, और मदर्स जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं कि बच्चे घर में हैं और बार बार उनकी काफ़ी ड्यूटी है उनको खाना वाना और हर तरह से एंटरटेन करना। तो बच्चों के लिए मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेके आई हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो खुद से बनाएँ और अपनी मदर्स की हेल्प भी करें और अपने लिए खुद चीज़ें बनाएं। तो मैं बना रही हूँ मग केक्स जो फटाफट 2 मिनट में बन जाते हैं, और लेकिन ये है कि बच्चों को खुद चाहिए कि अगर वो ये केक बनाएं तो अपनी चीज़ें और सारा किचन जो है वो अपनी मदर्स को टाइडी करके दें, साफ करके दें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, अभी मैं एक साथ 2 बनाऊँगी और सिर्फ 3 मिनट आपको लगेंगे। इसमें मैं डाल ये पहला जो है मैं ये बना रही हूँ हेज़लनट और जो है न्यूटेला के साथ, और बेसिकली चॉकलेट केक है ये। और दूसरा मैं बनाऊँगी बर्थडे केक। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फोर टेबलस्पून फ्लावर लिया है मैंने, ये सब हम मग में डालते जाएंगे, और 3 टेबलस्पून शुगर, पिसी हुई जो शुगर होती है, अब डायरेक्ट जो है अपने जार्स में से मग में डालना है। इसके अलावा ये 1 टेबलस्पून जो है मैं इसका न्यूटेला का डालूंगी, ये 1 टेबलस्पून जो है ये हेज़लनट है, नहीं डालना चाहें आप तो खाली जो है ये स्प्रेड जो मिलता है हेज़लनट स्प्रेड वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा 3 टेबलस्पून जो है मिल्क डालूंगी मैं, टीस्पून जो है वेनिला एसेंस और 1/2 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर में डालूंगी। इसको लेवल करके डालना है। ऑयल रह गया और कोको पाउडर, 2 टीस्पून कोको पाउडर डालनी, वन टेबलस्पून ऑयल है। बस आपने इसको मिक्स करना है और 1.5 से 2 मिनट 90 सेकेंड से 2 मिनट्स तक आपने इसको मिक्स करके माइक्रोवेव में बेक करना है। मैं आपको बताती हूँ,
बस अब इसको हम बेक कर लेंगे, मिक्स अच्छे से करें। इसको मैं रख लूँ 1.5 मिनट्स के लिए। एक केक हमारा जो है वो रेडी हो गया। जब तक ये ठंडा होता है हम दूसरा केक बना लेते हैं और फिर हम इसकी टॉपिंग कर लेंगे। जिस तरह फटाफट ये बन गया है इसी तरह इसकी टॉपिंग भी हो जाएगी। फोर टेबल स्पून जो है वो फ्लावर लेंगे हम, जैसे हमने पहले लिया। स्प्रिंकल्स हैं ये 1 टेबल स्पून में भर के ले रही हूँ। ड्राई इंग्रीडियंट्स में पहले डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून में बेकिंग पाउडर लूंगी। बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, इनको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब इसमें मिल्क डालना है और ऑयल डालना है। वन टेबल स्पून ऑयल, 3 टेबल स्पून मिल्क, 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और बेक करेंगे। 2 मिनट्स में बेक हो जाएगा ये। बैटर जो है वो तैयार हो गया है, इसको बस हम 2 मिनट के लिए बेक करेंगे माइक्रोवेव में और उसके बाद इसकी टॉपिंग करेंगे। केक्स हमारे जो है वो रेडी हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हैं, ये सॉफ्ट भी हैं। और अब बस इनकी टॉपिंग कर लेते हैं। ये क्रीम मैंने ली है, मैंने टेट्रा पैक जो व्हिप क्रीम है वो ली है और थोड़ी सी क्वान्टिटी में मैंने इसमें डाल के थोड़ी सी आइसिंग शुगर 1 टेबल स्पून डाली है और 1/2 कप क्रीम लगी। तो इसको मैं बस कुछ ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, इसको अच्छे से एक मैं ये डालूँगी आइसिंग बैग की, पाइपिंग बैग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस इसके बाद आप ये जो स्प्रिंकल हमने अंदर डाले थे, तो ये आपका बर्थडे मग केक रेडी हो गया। और इसके बाद जो हमारा न्यूटेला है स्प्रेड, उसका हमने बनाना टॉपिंग करनी है। ये थोड़ी सी मैं पहले क्रीम डालूंगी। इसके बाद ये न्यूटेला मैं डालूंगी। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें डाल सकते हैं। और उसके बाद ये हेज़लनट है मेरे पास, वो मैं डालूंगी। केक आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट हैं।
बहुत टेस्टी हैं ये, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें, छुट्टियों को इन्जॉय करें अच्छे से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप मेरे वीडियोस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।